Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the general anatomy of nervous system. Nervous system हमारी body में एक बहुत important role अदा करता है. हमारी body में जितनी normal coordinations हो रही होती हैं वो perform कर रहा होता है. हमारे पास जो भी external और internal changes होते हैं उनको detect करके रिस्पॉन्स जेनरेट कर रहा होता है, जिसकी मदद से हम जो है हमारा जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो परफॉर्म हो पाता है. ठीक है, पॉसिबल हो पाता है. अगर ये डैमेज होगा तो हमारे पास बहुत सी डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ब्रेन है हमारा और स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं हमारे पास, ये डैमेज हो जाएंगी. जब ये डैमेज हो जाएंगी तो हमारे बहुत से जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे और बंदा बिल्कुल मफलूज हो जाएगा. ठीक है, तो अब जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस है बेसिक, जिनमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल से जाहिर है कि हमारे पास जो मेजर कोऑर्डिनेटर है वो हमारे पास CNS है. ठीक है, सेंट्रल है हमारे पास जो मेन जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास CNS जो है कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास CNS में फर्दर कौन है? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों, जाहिर ही बात है, हमारे पास ये सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. हर एक ऑर्गन की जो है प्रोटेक्शन हुई होती है बाय सम मींस. तो अब ये हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये कवर्ड हैं बाय द लेयर्स ऑफ मेनिंजेस. ठीक है, इन मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे पास इन ऑर्गन्स को फ्रिक्शन से बचा रहा होता है. ठीक है, कोई शॉक, कोई ट्रॉमा लग रहा है तो उससे बचा रहा होता है, महफूज रखता है. तो हमारे पास जो मेनिंजेस हैं उसकी फर्दर तीन लेयर्स होती हैं. जो हमारे पास इनर लेयर है डेट इज़ नोन एज पाया मैटर, मिडल लेयर इज़ एरेक्नॉइड मैटर एंड आउटर लेयर इज ड्यूरा मैटर. ठीक हो गया. देन हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास फर्दर दो क्लासिफिकेशंस है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक की. हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और वैसे भी हम बात करते हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो नर्व्स और गैंग्लिया होते हैं. ठीक है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे. अब जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास आती हैं न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि नर्व फाइबर्स के ये बंडल हैं डेट आर बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. जैसे मसल्स का होता है, ठीक है, मसल्स में हमारे पास बेसिक जो कंपोनेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो मसल फाइबर्स हैं और फिर वो एक कनेक्टिव टिश्यू में रैप होके पूरा एक मसल बना रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे पास न्यूरॉन्स है जिनमें हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं, बेसिकली जो एक्सॉन्स हैं. ठीक है, क्योंकि डेंड्राइट्स जो हैं शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं डैट आर मेनली अटैच टू द सेल बॉडी. ठीक है, तो एक्सॉन्स हैं बेसिकली हमारे पास जो कि इनका बंडल है जो कि हमारे पास बाउंडेड है बाय द कनेक्टिव टिश्यू और ये पूरा मिलके एक न्यूरॉन बना रहे होते हैं. ठीक है, और बेसिकली जो न्यूरॉन्स और ये सारी चीज़ें हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़, ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, बट मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर रख दिया है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो उसकी फर्दर दो क्लासेस आती हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको जो है अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, ताकि पता चल जाए कि सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक सिर्फ ऑटोनॉमिक से रिलेटेड है, सोमैटिक से नहीं. ठीक है, अच्छा, अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये स्पेशल सपोर्टिंग हमारे पास सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, जो हमारे पास हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो फोर हमारे पास ऐसे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं.
और दो हमारे पास ऐसे सपोर्टिंग सेल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी सपोर्टिंग जो सेल्स हैं वो मैंने इधर ही मेंशन कर दिए हैं साथ पेरिफेरल के। तो पहले हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं। हमारे पास नंबर वन पे है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं और इनकी हमारे पास न्यूमरस प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। प्रोसेसेस में हमारे पास डेंड्राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास न्यूमरस डेंड्राइट्स होती हैं। हमारे पास ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ग्रे मैटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रे मैटर में होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ग्रे मैटर में हमें पता है कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर ये नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, नर्व फाइबर से अगर एसोसिएटेड होंगे तो फाइबर से रिलेट करके हम इनका नाम क्या देते हैं, फाइबरस एस्ट्रोसाइट्स। देन हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये स्मॉल सेल्स हैं विद फ्यू प्रोसेसेस, ठीक है। और ये हमारे पास या तो सेल बॉडीज में होते हैं या फिर एक्सॉन्स में होते हैं। देन माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लायोसाइट्स, ये भी स्मॉल सेल्स हैं लेकिन ये इलोंगेटेड इन शेप हैं, ठीक है। इलोंगेटेड हमें पता है कि हमारे पास लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और इसमें भी हमारे पास बहुत से फाइन प्रोसेसेस होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली स्केवेंजर सेल्स या फेगोसाइट्स के तौर पर कर रहे होते हैं। स्केवेंजर सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो कोई भी फॉरेन बॉडी आई जो इसको हार्म करने लगी है, ठीक है, नर्व को हार्म करने लगी है, तो क्या करेगी, उसको स्क्रैप करके छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड कर देगी और फिर जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगी। तो बेसिकली ये होते हैं स्केवेंजर सेल्स। और फेगोसाइट्स तो हमें पता ही है कि फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, तो ये दोनों स्केवेंजर सेल्स के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं और फेगोसाइटिक सेल्स के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं। एपेंडाइमा, फोर्थ जो हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली इनका फंक्शन प्रोटेक्शन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटीज़ हैं उनको लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चार हमारे पास जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, और जो दो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सॉरी सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तो है हमारे पास सैटेलाइट सेल्स और दूसरे हैं श्वान सेल्स। जो सैटेलाइट सेल्स हैं उनको हम कैप्सुलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास सेल बॉडीज होती हैं उसके अराउंड कैप्सूल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट सेल्स को हम कैप्सुलर सेल्स भी कह रहे होते हैं। और जो हमारे पास श्वान सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनको जो दूसरा नाम है श्वान सेल्स का, न्यूरोलिमोसाइट्स है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स हैं हमारे पास इस तरह के, वो कवर्ड होते हैं बाय मीन्स ऑफ श्वान सेल। ये सारे श्वान सेल्स हैं, बीच में से एक्सॉन गुजर रही होती है, तो इस एक्सॉन को, पूरे एक्सॉन को कवर किया होता है श्वान सेल्स ने। और जो हमारे पास ये श्वान सेल की जो शीट होती है, तो बेसिकली उसका नाम हम दे रहे होते हैं न्यूरोलिमा का, ठीक है। जो हमारे पास श्वान सेल्स हैं उनका क्या नाम था, न्यूरोलिमोसाइट्स, और उसकी जो शीट होगी, श्वान सेल्स की शीट जो होगी, शीट को हम क्या नाम देंगे, न्यूरोलिमा का, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो माइलिन शीत है बेसिकली इनको फिर फर्दर जो है वो कवर कर रही होती है और प्रोटेक्शन कर रही होती है, ठीक है। माइलिन शीत लिपिड इन नेचर है, ठीक है, नरिशमेंट में भी हेल्प कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, देन हम चलते हैं हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की भी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। अब फंक्शन के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास एफरेंट, ईफरेंट और इंटर, तीन कैटेगरीज में ये डिवाइडेड हैं, और स्ट्रक्चरली भी तीन हैं। पहले हम फंक्शनली देखते हैं तो एफरेंट, ठीक है, एफरेंट को हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो बेसिकली आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे इम्पल्स या स्टिमुलाई लेके रिसीव करके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे भेज रही होती है। तो ये हमारे पास ऐसी न्यूरॉन्स क्या कहलाती हैं, एफरेंट या सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक हो गया।
ई फ्रेंड क्या कर रही होती है, ई फ्रेंड को हम मोटर न्यूरॉन्स भी कह रहे हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस लेके इफेक्टर्स को दे रही होती है ताकि वो एक्शन जो है वो अपना जेनरेट करें, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन की बात करें तो इंटर को इंटरन्यूक्लियर या कनेक्टर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में इम्पल्सिस जो है वो कैरी कर रही होती है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है और इसके आगे कोई कील थी या कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। मैंने उस हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, ठीक है। मुझे जाहिर बात है कि मेरे जो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किया कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, ठीक है। अब इस हॉट ऑब्जेक्ट से फौरन से बचने के लिए क्या करेगा कि ये जो सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स थे ये मेरे पास जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जेनरेट करेंगे कि इस तरह से ये कंडीशन है, और वो फिर आगे फर्दर ब्रेन को देंगे, ठीक है। ब्रेन जो है आगे से प्रोसेस करेगी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स ट्रेवल कर रही होंगी ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होंगी, ठीक है ना। ये जो है इम्पल्सिस जेनरेट करके हमारे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को आगे पैगाम देंगी, और मोटर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स हमारे पास फर्दर जो है इफेक्टर्स या रिसेप्टर्स के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे, जैसे कि इफेक्टर्स इस केस में हमारे पास स्केलेटल मसल्स होंगे, और उन्हें उसे ये हुक्म देंगे कि तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट करके अपना हाथ पीछे कर लो, तो मैं वो अपना हाथ ऑटोमेटिकली पीछे कर लूंगी। तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं। और स्ट्रक्चरली की बात करें तो हमारे पास तीन कैटेगरीज है। फर्दर यूनिपोलर में हमारे पास क्या होता है कि एक ही ब्रांच होती है, ठीक है, ठीक है। एक प्रोसेस कह लें या ब्रांच कह लें, ठीक है। एक जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो डेंड्राइट के तौर पे एक्ट करेगा, और एक जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास एक्सॉन के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। बाइपोलर में हमारे पास क्या होता है कि एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। बाय मीन्स टू, तो दो प्रोसेसेस या दो ब्रांचेस होंगे इसमें, एक डेंड्राइट या एक और एक एक्सॉन। मल्टीपोलर, मल्टी मीन्स मैनी, तो एग्जॉन एक ही होगा हर केस में, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं वो हमारे पास न्यूमरस भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जॉन जो है वो हर सूरत में एक होगा ही होगा, ठीक है। तो मल्टीपोलर में हमारे पास मैनी डेंड्राइट्स हैं और वन एग्जॉन है। देन हम न्यूरॉन को देखते हैं, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक सेल बॉडी जिसे हम पेरिकेरियन भी कह रहे होते हैं, और एक हमारे पास है न्यूराइट्स, न्यूराइट्स जिनको हम नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप की होती हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स हमारे पास वो प्रोसेसेस हैं जो इम्पल्स कैरी कर रहे होते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है। और एक्सॉन वो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं जो हमारे पास इम्पल्सेस को अवे कैरी कर रहे होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो एक्सॉन है बेसिकली क्या होता है कि डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स लेके आ रहा होता है, ठीक है, और एक्सॉन जो है उसे अवे लेके जा रहा होता है। बस सिंपल सी ये बात याद रखने वाली है। सेल बॉडी में हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है, और बेसिकली हमारे पास इसमें बहुत से न्यूट्रिटिव जो है वो कंपोनेंट्स भी होते हैं ताकि वो न्यूरॉन की जो हमारे पास एक उसकी लाइफ है उसको मेंटेन कर सके, ताकि उसकी डेथ ना हो और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती रहे। जो हमारे पास एग्जॉन होते हैं उसके जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक तो हमारे पास उस पर कोलेट्रल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। कोलेट्रल मीन्स के एक ब्रांच है और उसकी कई ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं, और टीलोडेंड्राइट्स जो बिल्कुल एंड पे होते हैं ना हमारे पास, वहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जहाँ पे एंड कर रही होती है तो वो स्मॉल बल्ब बना लेती है, स्मॉल स्वेलिंग बना रही होती है, जिसे हम बुटॉन्स या बल्ब एंड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास
ये हमारे पास कोलैटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो एक ये हमारे पास एग्जॉन था, एक एग्जॉन की ब्रांच थी और उससे फर्दर ये ब्रांचेस निकल रही हैं, कोलैटरल ब्रांचेस। और ये जो टर्मिनल वे हैं हमारे पास, बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ टीलो डेंड्राइट्स बना रहे हैं, और इसके एंड में एक स्मॉल स्वेलिंग है जिसे हमने जो है बुटॉन्स या एंड बल्ब्स का नाम दिया है, ठीक हो गया। देन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर में हमने कहा कि हमारे पास क्या है, नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास कि एग्रीगेशन होती है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स की, ठीक है। जो माइलिनेटेड एग्जॉन्स होते हैं ना, उसमें बेसिकली हमारे पास नर्व फाइबर्स खास तौर पे एग्जॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब हम उसका एक फ्रेश पीस लें ना, माइलिनेटेड एग्जॉन्स का फ्रेश पीस हम जब लेते हैं तो वो हमारे पास वाइट कलर नज़र आता है, ठीक है। इस वजह से हम उसे वाइट मैटर कह रहे होते हैं। जबकि ग्रे मैटर है उसमें नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स हैं, ठीक है। वो हमारे पास उसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। तो ग्रे मैटर में क्या था, सेल बॉडीज की एग्रीगेशन थी, और वाइट मैटर में नर्व फाइबर्स की। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ग्रे मैटर ब्रेन के कुछ पार्ट्स में एक सरफेस लेयर बना रहा होता है जिसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, डेट लाई एट द सर्फेस सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स, ठीक है। हमने FSC में पढ़ा था ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि जब हमारे पास ब्रेन जो होता है दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हमने नाम दिया था सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स का, तो उसका जो सर्फेस लेयर थी उसको हमने क्या नाम दिया था, कॉर्टेक्स का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम दिया था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि हमारे पास जो ब्रेन होता है इसका जो सरफेस लेयर है या कॉर्टेक्स है या आउटर साइड है उस पे ग्रे मैटर होगा, और इनर साइड्स पे, इनर रीजन्स पे हमारे पास वाइट मैटर होगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास उसमें ग्रे मैटर होगा और आउटसाइड रीजन्स में हमारे पास वाइट मैटर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास ग्रे मैटर के डीपली प्लेस्ड मैसेज हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं ना ग्रे मैटर के, वो डीपली प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास मेड्यूला ओब्लोंगेटा का न्यूक्लियस होता है, जिसे हम आर्क्यूएट न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ग्रे मैटर का न्यूक्लियस है जो कि डीपली प्लेस्ड है। वाइट मैटर में, ठीक है, मैंने बताया कि नर्व फाइबर्स हैं और वाइट कलर क्यों होता है, इनकी जो माइलिनेशन है, ये अगर हम इसका फ्रेश पीस लें तो वाइट नज़र आता है, इस वजह से हम इसे वाइट मैटर कह रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि वाइट मैटर में बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलके जो है वो बंडल्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं। ये ट्रैक्स या तो असेंडिंग होते हैं और या डिसेंडिंग होते हैं। जो हमारे पास असेंडिंग न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ये हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कैरी करते हैं इम्पल्सेस अप द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट वैसे भी हम याद रखें कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट पकड़ लिया है, ठीक है, तो जाहिरी बात है कि मेरे जो फिंगर टिप है उससे एक्सटेंड करके ऊपर जाएगी ना, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ, फिंगर टिप से ऊपर की तरफ जा रहे गया, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट है, वो सेंसरी फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कैरी को इम्पल्सिस को कैरी करके लेके जा रहे गया। और डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है, अब ये हमारे पास ब्रेन से जो है उसने नीचे दोबारा से आना है स्केलेटल मसल की तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिसेंडिंग ट्रैक्स या मोटर फाइबर्स जो कैरी कर रही होती है इम्पल्सिस फ्रॉम ब्रेन डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। और हमारे पास एक ट्रैक्ट जो कि फ्लैट रिबन लाइक होती है जिसकी शेप, उसको हम लेमनिस्कस का नाम देते हैं। ओके जी,
देन हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती हैं स्किन की, वो तीन होती हैं, जो हमारे पास होल नर्व जिससे कवर्ड होती है, डैट इज़ एपिन्यूरियम। जो नर्व फाइबर्स थे, ठीक है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स थे, वो कवर्ड हैं बाय मीन्स ऑफ पेरिन्यूरियम, और एक सिंगल नर्व फाइबर, सिंगल एक्सॉन इज़ कवर्ड बाय द एंडोन्यूरियम। ओके, सिंगल नर्व फाइबर इज़ कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम, होल बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम, एंड होल नर्व इज कवर्ड बाय एपिन्यूरियम।